हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, अभी नवरात्रि चल रहा है और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज अष्टमी पूजन है, तो सुबह अष्टमी पूजन हो गई है और अभी संधि पूजा है 4:30 बजे के लगभग में। तो मैं संधि पूजा करती हूँ, तो मैं अभी जाऊँगी पंडाल और वहाँ अभी संधि पूजा होगा 4:30 बजे। तो मैं आप लोग को वहाँ में पूजा दिखाऊँगी किस प्रकार से होती है, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ नवरात्रि की, और दुर्गा माँ आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और अब चलिए चलते हैं पंडाल और वहाँ मैं दिखाती हूँ आप लोग को वहाँ किस प्रकार से पूजा होती है। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉक में बने रहिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, मैं पंडाल पहुँच गई हूँ और ये पंडाल जो है मेरे घर से 10 से 15 मिनट की दूरी पर पड़ता है। तो अभी जो है पूजा शुरू होने में थोड़ी देर है, तो मैं यहाँ पर समय से थोड़ा 10 से 15 मिनट में पहले ही पहुँच गई हूँ। तो मैं यहाँ पर पंडित जी को डाला दे रही हूँ। तो देखिए पूजा अब शुरू हो गई है और पंडित जी पूजा कर रहे हैं। ये पूजा जो है मात्र 1 घंटे की होती है, तो इस बार इसका टाइम जो है 4:55 का था। तो हम लोग सभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये पूजा पंडाल का डेकोरेशन देखिए। तो ये पंडाल जो है हम लोग मिलकर ही इस प्रतिमा को उठाते हैं। ये मेरे गांव में ही पड़ता है। यहाँ पर माँ दुर्गा को माला पहनाया जा रहा है। इस पूजा में जो है सबसे खास बात ये होती है कि इसमें जो है 108 दिए जलाए जाते हैं। तो हम लोग जितने कोई उपवास में थे संधि पूजा के लिए, तो सभी ने हम लोगों ने दिया जलाया। तो इसमें आपका ये है कि आप जितना भी इसमें दिया जला सकते हैं। तो हम लोग जो अपना अपना मोमबत्ती से जो है दिया को जला रहे हैं। इसी दिए से जो है माँ को आरती लगाई जाती है।
तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बेटी को बार बार मैं बुला रही हूँ कि बेटा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। तो वो चेयर में बैठी हुई थी, मैं उसे बार बार यहाँ पर बुला रही हूँ। ये दुर्गा पूजा होती है तो हमारे हिंदुओं के लिए जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ी जो है हम लोग के लिए पर्व है। तो इसके लिए हम लोग कितने एक्साइटमेंट होते हैं कि दुर्गा पूजा कब आएगा। और आज तो महाअष्टमी है और हम लोग सभी जो है पंडाल में आकर जो है माँ को पूजा कर रहे हैं। तो माँ सभी की मनोकामना को पूर्ण करें और सभी को अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें। तो यहाँ पर पुष्पांजलि दिया जा रहा है। आयु देवी, जसो देवी, भगवान भगवती देहा में एक पुष्पांजलि ओम ही। दुर्गायै नमः। ओम हरो पापो हरो क्लेशायम हरो सुखनायम हरो रोगनायम खूबं हरो नीलम हरो प्रिय बोलें हाजोर करे बोलें सर्वमंगल जीवे सर्वाधिक सर्वन्ने जिंदगी के गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाजोर करे बोलें ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम गौरत्यो शांति ओम शांति ओम शांति। तो माँ का जो पहला प्रसाद होता है वो माँ का चंद्रामृत होता है। यहाँ पर मुझे चंद्रामृत मिला और मैं वो पहला जो है प्रसाद में माँ का ग्रहण कर रही हूँ। तो ये माँ का जो है माता रानी का प्रसाद है ये। तो यहाँ पर प्रसाद अब वितरण किया जाएगा। तो यहाँ पूजा हो गई है तो सभी को जो अपना अपना डाला यहाँ पर पंडित जी दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दुर्गा माता को अपने तरफ से मैं थोड़ा धूप अगरबत्ती में दिखाऊंगी और पंडित जी को मैं दक्षिणा दूंगी। Thank you.
मॉडर्न नहीं तो एक एक करके ला तो अब जो है डाला लेके मैं घर जा रही हूँ। तो फ्रेंड आप लोगों ने नवरात्रि दुर्गा पूजा किस प्रकार से मनाई है तो कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।